नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संदीप लाल दूसरा व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दोस्तों सीधे खेतों में लेके चलने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। क्योंकि आज हमने दोस्तों एक छोटी सी शुरुआत की है जो कि बहुत ही अच्छी है, और अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों आप भी ये जरूर करना। क्योंकि आप मेरा पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको मटकी लटकी हुई नजर आ रही होंगी। क्योंकि अभी इस टाइम पे दोस्तों काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा है, और पानी नहीं मिलने की वजह से वो मर रहे हैं दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पर ये मटकियाँ लटकाई हैं, काफ़ी खूब जगह पे हमने ये मटकियाँ लटकाई है। हम आपको आगे दिखाने वाला हूँ मैं, क्योंकि जब तक दोस्तों बारिश नहीं होगी तब तक हम इसमें रोज़ सुबह इसको पानी से भरेंगे, और पानी के साथ साथ यहाँ पर बाजरा है, गेहूँ है, दाने भी डालेंगे, ताकि वो पक्षी आराम से यहाँ पर खा पी कर अपना जीवन जी सके। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कार्य है, और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आप भी ये कार्य जरूर करना। तो चलिए मैं पीछे का कैमरा करके आपको सब कुछ दिखाता हूँ, और अगर आज मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एक दूसरे के साथ शेयर करना। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, और मैं आगे बढ़ पाता हूँ, और आपके बीच में ऐसी और भी नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये पक्षी है जो कि भूख प्यास से तड़प रहा है, और अभी मैं इसको पानी की बोतल डाल रहा हूँ ताकि ये पानी पी सके और पीकर अपना जीवन बचा सके। ये देखिए, तो आज दोस्तों मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पर चारों तरफ दाने दाने डाल रखे हैं, ताकि जो भी कोई पक्षी है वो भूखा ना रहें और यहाँ दाने खाकर अपनी पेट भर सकें। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों ये देखिए हमने दाने के साथ साथ यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था भी कर रखी है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ, तो हमने कम से कम 6 से 7 जगहों पे इन मटकियों की व्यवस्था की है, और ऐसी जगहों पे मटकियों की व्यवस्था की है जहाँ पर आसपास में कोई पानी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये 2-3 महीने ऐसे आते हैं, इस टाइम पे बारिश भी कम होती है, और जो जोहड़ हैं, बावड़ी हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, जिनके कारण पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है और वो मरने लग जाते हैं। तेज़ धूप के कारण या फिर तेज़ गर्मी के कारण तालाबों और बावड़ियों में पानी सूख जाता है, जिनसे पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने ये शुरुआत की है। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये 2 मटकी लटका रखी है, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो इन मटकियों में हमेशा पानी भरा मिलेगा, क्योंकि मैं इन मटकियों में सुबह भी पानी डाल के जाऊँगा और शाम को भी पानी डाल के जाऊँगा। और यहाँ पर 2-3 बोतल और एक ये पानी की कैन हमेशा भरी हुई मिलेंगी, क्योंकि मैं जब आऊँगा तो इनको भर कर यहाँ पर जाऊँगा, ताकि जो भी रास्ते से आने वाले यात्री हैं या फिर मनुष्य हैं, उनको अगर प्यास भी लगे तो वो भी यहाँ पर आकर पानी पी सकें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फुल सुविधा की है, पक्षियों के लिए भी की है, मनुष्यों के लिए भी की है, और यहाँ पर सभी प्रकार के जानवर हैं, जो जीव हैं, उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमेशा ऐसे ही भरी मिलेंगी, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं वो करने की कोशिश करूँगा। और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी दोस्तों जल्द से जल्द ये कार्य स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है अभी बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होने के कारण पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा है, जिनसे पक्षी मर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी, चाहे आपके घर की छत हो, चाहे या फिर बाउंड्री हो, कहीं पर भी आप
ऐसी मटकी हो या फिर कोई और दूसरा बर्तन हो उसको पानी से भर के रख दें ताकि आने वाले पक्षी हैं वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर आराम से अपना जीवन जी सके। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दोस्त है जो अभी ये मटकी बांध रहा है और बांधने के बाद इसमें पानी भी डालेगा। तो दोस्तों जितना हमसे बन पड़ता है, चाहे मैं हो या फिर मेरा दोस्त हो, कोई भी हो, अगर मैं नहीं आता तो ये मेरा दोस्त है ये भी आ जाता है और इन मटकियों को भरकर इसमें पानी की व्यवस्था करता है। ये देखिए दोस्तों, साथ में पानी की बोतल भी लेके आया है। ये देखिए दोस्तों, इस मटकी को पानी की बोतल से भर रहा है। तो दोस्तों, अगर आज मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक दूसरे के साथ शेयर करना। और दोस्तों, आज मैंने तो एक अच्छी शुरुआत कर दी है, छोटी सी। आप कब शुरुआत करने वाले हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।